तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं विलेज ड्रीम गेमर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम। यस गाइस, इसके हमने फाइनली 5 चैप्टर एस्केप कर दिए हैं। इस सीरीज में इतना मजा आ रहा है ना, एंड आज हम करने जा रहे हैं आइसक्रीम 6 को एस्केप। बेसिकली मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ। हम 4 फ्रेंड है जो कि आइसक्रीम वाले अंकल ने हमें उनकी फैक्ट्री में किडनैप कर लिया है। तो हमने 2 फ्रेंड तो हम एस्केप कर गए हैं, उनकी फैक्ट्री से नहीं लेकिन उनके जो ट्रैप है ना उनसे। तो आज हम आइसक्रीम 6 खेलने जा रहे हैं जिसमें हमें एक और फ्रेंड को बचाना है। वो आगे पता पड़ेगी हम कि हम कैसे बचाते हैं, किस वाले फ्रेंड को बचाते हैं। तो गाइस करते हैं स्टार्ट इस गेम को। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम कंट्रोल रूम में हैं, January 1983। ओके गाइस, ये देखो गाइस, एक का नाम है माइक, एक का नाम है जे। जे हमारा मेन करेक्टर है एंड माइक हमारा फ्रेंड जो कि हमने आइसक्रीम 5 में उसको छुड़ाया था आइसक्रीम के ट्रैप से, मतलब चंगुल से। ओके, तो हम किसी और फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारा शायद तीसरा फ्रेंड है, क्योंकि हम पूरे के पूरे 4 फ्रेंड किडनैप हुए थे। एंड गाइस एक सेकंड, यहाँ पर हमें एक फ्रेंड मिल चुका है जिसका नाम है चार्ली। ओके गाइस, जिस मतलब ये मोटा है ना, इसको हम आइसक्रीम 1 से देखते हुए आ रहे हैं। इसी की वजह से हम किडनैप होते हैं, सबसे पहले यही किडनैप हुआ था और इसी के बचाने के चक्कर में हम सब किडनैप हो गए थे। शुरू से ही हम इस मोटे से उसको गाली देते आ रहे हैं बच्चे को। गाइस ये कुछ अलग एनिमी है क्या, मैटी। गाइस ये मैटी कौन है? अबे इन्हें आइसक्रीम में पाइप डाला जो कि आइसक्रीम का जहां बनती है। एंड एक सेकेंड है ना, उसके पास में की भी है। एंड शायद हम उसी मोटे के प्लेयर से खेलने जा रहे हैं जिसको हम शुरू से ही गाली देते हुए आ रहे हैं। यस गाइस, हम इसी से ही खेलने वाले हैं, इस मोटे प्लेयर से। एंड सामने है मैटी जो कि एक रोबोट है। यस गाइस, आइसक्रीम का रोबोट है, क्योंकि आइसक्रीम वाले अंकल ये रोबोट पोबोट बताते रहते हैं। ये कहाँ जा रही है गाइस? शायद ये हमें मारेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हम शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके ओके गाइस, तो ये है कंट्रोल रूम जिसे हम खोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसकी की नहीं है। एंड गाइस चारों साइड मिनी रोड है, एंड शायद यहाँ रोड भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। एंड मैटी तो गाइस पता नहीं दूसरे वाले रूम में गई है। यहाँ पर कुछ है क्या गाइस? पता नहीं है, तो भूल भुलैया सी है, इसकी फैक्ट्री इतनी बढ़िया। ओके, हमें ये दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ पीस चाहिए जो कि हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम बाथरूम में आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या? नहीं गाइस, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। इसको खोलते हैं। एंड और गाइस ये इतनी बड़ी फैक्ट्री, इसमें कैसे एस्केप कर पाएंगे? एंड शायद ये लॉन्ड्री वाला एरिया है। ओके, यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या? डोर को क्लोज, ये तो छुपने की जगह है मेरी। ओके एंड ड्रोर। ओके गाइस, यहाँ पर हमें एक पीस मिल चुका है। एंड ये मतलब आइसक्रीम का ही एक पीस है, मतलब आइसक्रीम के बिस्कुट जो भी कह दो, ये पीस है। एंड शायद ये इस वाले गेट में लगेगा क्या? ओके गाइस, तो हमने एक पीस तो लगा दिया है। एंड हमें राइट वाला पीस चाहिए जो कि मुझे लगता है कि यही ना यही मिल जाएगा। और सामने से यार मिनी रोड आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये मुझे बेहोश करे या ये सायरन बजाए जिसके कारण रोड यहाँ पर जो रियल वाला रोड है वो यहाँ पर आ जाए। ओके, तो यहाँ पर एक है। अब ये मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है क्या गाइस? यहाँ पर ये आइस जो मतलब ये मिनी रोड है ना, जैसा इन्होंने मास्क पहन रहा है उसी मास्क को स्कैन करके खुलेगा। एंड इसको तो मैं चेक कर चुका हूँ पहले, लेकिन वो मास्क मुझे मिलेगा कहाँ गाइस? गाइस मुझे 2 चीज़ें पता पड़ चुकी है। एक तो मुझे मास्क चाहिए जो कि जिससे लॉन्ड्री वाला एरिया खुलेगा, एंड एक मुझे बिस्कुट का पीस चाहिए। बिस्कुट ही कह देता हूँ मैं, राइट वाला। अरे नहीं 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 गाइज, इसने सायरन शायद बजा दिया था क्या, पता नहीं। ओके एंड गाइज ये है मैटी। गाइज जल्दी से भागते हैं, इन्होंने सबने सायरन बजा दिया है। इसको बंद करते हैं, शायद ये छुपने का, जल्दी से छुप जाते हैं। हु फाइनली गाइज सायरन उसने बजा ही दिया था, लेकिन हम बच चुके हैं शायद। अब तो हम हाइड है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आएगा। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं कहीं अलग वाले एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर वम्प्यूटर रखे हैं। एंड शायद ओके, मुझे लगता है यार मिनी रोड आ रहे हैं यार यहाँ पर। एक सेकंड, मैं इसको एक बार खोल के देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर कुछ नहीं है। एक सेकंड प्लीज, इसको मत खोलिए, कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई है ही नहीं यहाँ। तो करने क्या आया है यहाँ पर? ओके शायद वो जा चुका है या नहीं।
गाइस पता नहीं, लेकिन मैं सही टाइम पे छुप गया, वरना वो यहीं बेहोश कर देता, यहाँ पर रोड आ जाता और मेरे लिए दिक्कत बन जाती, इसलिए थोड़ा सा आराम से। ओके गाइस वो जा चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है दिक्कत कुछ होने वाली नहीं है। ओके गाइस यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एंड शायद मुझे लगता है, एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक ड्रॉर है, इसको भी खोल के देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एंड शायद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। गाइज यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गया, सामने एक मिनी रोड है एंड यहाँ कुछ है क्या? नहीं गाइज यहाँ पर शायद मैं इनके कहीं स्टोर विस्टोर रूम में आ चुका हूँ। अच्छा गाइज यहाँ पर ये पैकिंग वाले एरिया में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बॉक्स ही बॉक्स रखे हैं ना, इसलिए पैकिंग वाला एरिया हो चुका है गाइज ये, बेशक इसका नाम कुछ भी हो। ओके एंड यहाँ पर सामने मिनी रोड घूम रहा है, अबे यहाँ मत आ तू, निकल जा, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी छानबीन कर लूँगा ना। ओके अगर जो मैं इसके पीछे से निकल जाऊँ, इसको पता, इसको घंटा पता नहीं पड़ेगा गाइज। ओके गाइज यहाँ पर एक रेड लाइट जल रही है, एंड शायद ये इलेक्ट्रिसिटी से गेट खुलेगा। यस गाइज यहाँ पर रेड है, जब इसको ग्रीन करेंगे तभी ये यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ तो ये कुछ और ही एरिया था। ओके तो यहाँ पर जाते हैं गाइज, सामने है मैटी। ओके तो मैटी से तो बच गए हैं, एंड गाइज मुझे नहीं लगता कि मैटी हमें कुछ कहेगी भी, लेकिन शायद कह भी सकती है। ओके ओ एक सेकंड गाइज, नहीं 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 भगना पड़ेगा प्लीज़ यार, आपके छोड़ दो यार। गाइज यार हर जगह सायरन बज चुका है, वहाँ पर मैटी ने सायरन बजा दिया था, एंड यहाँ पर ओके अबे यार नहीं करवा रहा यार मैं डिटेक्ट अपना चेहरा, अभी नहीं है मेरे पास मास्क। अभी एक सेकंड, ये एक सेकंड गाइज, मिनी रोड यहाँ से आ रहा है। ओ गाइज अरे यार मुझे तो पता ही नहीं थी रोड कहाँ से आ गए यहाँ पर, लेकिन मैं बाल बाल बच चुका हूँ। एक सेकंड गाइज यहाँ पर कौन से वाले एरिया में हूँ मैं, कोई से भी एरिया में हूँ। ओके तो यहाँ पर ओके जहाँ भी हूँ मैं, पर रोड चेक करना तो बनता है गाइज, क्या पता यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सामान मिल जाए। अबे नहीं यार छोड़ो यार भगन दो, अबे एक सेकंड, नहीं 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 सॉप, अबे खुलना तो डोर नहीं खुल रहा है गाइज, फाइनली खुल गया खुल गया खुल गया। ओके जल्दी चलते हैं यार, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ओ गाइज इधर रोड है, इधर मिनी रोड है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? एक सेकंड तो यहाँ मैंने ट्रैप लगा दिया, एक ट्रैप था मेरे पास, मेरा पीछा करेगा गाइज ये इसकी शिकल तो देखो पड़ा रहे अभी यहाँ, ये करेंगे मेरा पीछा, आइसक्रीम के दंतु अंकल हैं ये, एक बच्चे को तो पकड़ नहीं पाते वैसे गाइज, ऐसे नहीं है पकड़ लेता, आइसक्रीम वाला अंकल बहुत बुरा है, सारे के सारे फ्रेंड किडनैप कर रखे हैं इसने मेरे। एंड यहाँ पर अरे यार ये मिनी रोड एंड रोड तुम यार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ऐसे कैसे एस्केप करूँ, ऐसे कैसे मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा? बस गाइज जो मैटी पे की है ना, मुझे बस उसको लेना है, मतलब मेरे सामने वो की है लेकिन मैं उससे ले नहीं सकता वो की। एंड यहाँ पर शायद मैं कहीं छुप गया हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर मैं कहीं छुप गया हूँ, एंड गाइज सामने से मुझे रोड ने देख लिया है, भागो भागो यहाँ से, एंड मिनी रोड ने भी देख लिया है, वो तो उसकी मतलब पादी पादे गई। एंड यहाँ पर शायद मैं कंट्रोल रूम में आ चुका हूँ, जहाँ से मैं उनसे जे या माइक से मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ के अभी मुझे पूरे के पूरे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर गाइस ये रही सामने मैटी, एंड रोड भी यहीं कहीं होगा गाइस, लेकिन गाइस अब वो हमारा बिगाड़ ही क्या लेगा इस रूम में, तो वो जिंदगी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसमें जो ओ गाइस ये खड़ा देखो, मैं तो कुछ कह नहीं रहा था, तू जा यार तू जा, मैं तो ये कह रहा था कि अपने सब्सक्राइबरों को तेरी आइसक्रीम खिलाऊंगा एंड फैट ही बना दूंगा सारे के सारे सब्सक्राइबरों को। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इसको आज हम मारने वाले हैं रोड को, मतलब ट्रैप तो लगा दिया है, एंड ट्रैप में ये फंस भी गया था। ओके तो अब गाइस जाके देखते हैं, यहाँ पर मिनी रोड नहीं है, यहाँ पर मैंने यार कुछ ना कुछ तो देखा था, एक सेकंड यहाँ पर ये गाइस देखो अंदर ये मिनी रोड का मास्क है, नहीं ये कुछ मशीन है, तो अगर जो हम रेड ओके अच्छा गाइज हमें इस चीज़ को फिल करना है, जो ये कोन है ना इनको फिल करना है कलर वाइज, एंड साइड में कलर है ओके रेड ग्रीन, अब हमें पीली एंड नीली, यस गाइज अब के लाल। अबे गाइज ये गाइज इसकी स्पीड तेज हो चुकी है, राय मतलब पता नहीं गाइज मैं ही चकरा रहा हूँ, पीली ओके पीली एंड लाल, नहीं गाइज ये तेज हो चुकी है, अरे यार नहीं वो गिरी गई, मैंने गलत पे क्लिक कर दिया ना। ओके पीली अब के नहीं छोड़ूंगा पीली, एक सेकंड गाइज अब बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, नीली हरी नीली, अरे नीली लेना यार ये रुकी नहीं रही उस जगह, हरी
हरी ओके रेड नहीं गाइस ग्रीन रेड हुआ क्या कुछ गाइस शायद हमने कौन यार लास्ट में जाकर बहुत स्पीड हो गई थी उसमें एंड अबे यार मुझे भी ले चल ये लिफ्ट चल चुकी है एंड गाइस साउंड हो चुका है अरे यार मुझे भी ले चलना अपनी यार प्लीज यार मैं बच जाऊंगा लिफ्ट भी गाइस धोखेबाज निकली है ओके गाइस तो मैंने ये मिनी रोड मास्क पहन लिया है एंड गाइस अब मुझे मिनी रोड एंड ये जो मैटी है ना ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे बस मुझे माइक ही पहचान सकता है जो रियल वाला माइक है वही पहचान सकता है मुझे देखो गाइस अब ये कुछ नहीं कह रहे हैं मुझे ना ही मुझे अब मैटी कहेगी कुछ एंड शायद अब मैं मैटी के वो जो की लटक रही है ना उसके वो की निकाल सकता हूँ उसको मार पीट के देखो गाइस ये कोई कुछ कह नहीं रहा अब मैं आराम से ड्रॉर चेक कर लेता हूँ लेकिन माइक से मुझको अब भी बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो मुझको पहचान सकता है एंड इसको इनको लग रहा है ओके यहाँ पर एग रखे हैं एग का क्या काम है गाइस मुझे लगता है कि एग से यहाँ पर एक सेकेंड ये क्या है ओके गाइस ये तो सूखा अच्छा गाइस ये वो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं शायद वो सामग्री है ये जिसे मतलब आइसक्रीम बनती है वहाँ पर शुगर रखा था यहाँ पर एग्स रखे थे एंड और भी कुछ हो सकता है ओके गाइस तो यहाँ पर कुछ है क्या गाइस मुझे वो बिस्किट ढूंढना है मतलब जो वहाँ पर लगेगा एक साइड का मिल गया था राइट साइड का नहीं मिला था लेफ्ट साइड का आराम से मिल गया था ओके तो यहाँ पर भी कुछ है नहीं गाइस पता नहीं वो कहाँ मिले ओके गाइस अरे गाइस मिल चुका है राइट साइड का लेकिन एक सेकंड गाइस जैसे ही मैंने ये बिस्किट ठाया एंड तो मेरा मास्क उतर चुका है गाइस ये तो बहुत गंदी चीज़ है ओके लेकिन कोई दिक्कत नहीं मैंने यहाँ पर ये प्लेस कर दिया है जल्दी से जाकर भगकर मास्क लेकर आता हूँ अगर जो मुझे किसी भी मिनी रोड एंड मैटी ने देखा तो गाइस पंगा हो जाएगा ये पड़ा मेरा मास्क ओके गाइस तो जल्दी से चलते हैं ओ गाइस उधर से मिनी रोड भी आ रहा था अगर जो देख लेता ना तो गाइस ख़त्म कर देता सारे रन बजा देता रोड आकर मुझे मारता लेकिन गाइस हम इतनी आसानी से मिनी रोड के हाथ आने नहीं वाले हैं रोड के भी एंड मिनी रोड के भी ओके तो यहाँ पर एक मिनी रोड है इसको बंद कर देते हैं एंड यहाँ पर मैं एक अलग रूम में आ चुका हूँ जिसका मतलब अभी मैंने लॉक खोला है अनलॉक कराई ये वाला ओके तो यहाँ पर कुछ है क्या एक सेकंड गाइज यहाँ पर कुछ है तो नहीं लेकिन खामोखा यार ये नहीं यार यहाँ कुछ होगा तो लेकिन मैंने सारे के सारे एक सेकंड फोटोग्राफी एक सेकंड क्या लिख रहा है ये फोटोग्राफी हिंट ओके एंड ये कबर्ड होगा अच्छा गाइज ये रिमोट कंट्रोल से अनलॉक होगा कबर्ड मतलब कहीं इसका रिमोट है एंड उससे हमें इसको अनलॉक करना है कबर्ड को एंड जब जाकर इसमें से हमें कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी यहाँ पर मिलकर यस गाइस जो मैं कह रहा था कि इन्हीं सामग्री से सारी की सारी आइसक्रीम मिल रही है मतलब एक तो हमें एग मिला था एक शुगर मिला था एंड मिल्क तो इन्हीं को मिलकर ओके एंड शायद हमने ये भी ओपन कर दिया है ओके लेकिन अभी इसमें घूमने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक सेकेंड मुझे फ़ोटोग्राफी एक हिंट मिला था तो वो शायद मैंने फ़ोटो देखा है एक सेकंड मुझको जाना पड़ेगा शायद एक सेकंड का ये रही मैटी ओके तो एक बार मैं जाकर वो फ़ोटोग्राफी हिंट देख आता हूँ गाइस मैंने आइसक्रीम फाइव में एक सेकंड गाइस ये वाली पेंटिंग गाइस मुझे नहीं पता गाइस मैंने कितनी बार गाइस बोल दिया है लेकिन मुझे अभी मुझे लगता है कि अपने जय मतलब जे ओके गाइस जे या माइक की मदद लेनी पड़ेगी अरे यार दे देना यार प्लीज़ चाबी गाइस ये चाबी देखो आ नहीं रही है हाथ में पता नहीं यार कैसे तो ये चाबी आएगी हाथ में पता नहीं यार प्लीज़ यार मैटी दे दे मैं आराम से एस्केप कर जाऊंगा यार अपने फ्रेंड के दौरे पहुंच जाऊंगा तो गाइस मुझे लगता है कि अभी या तो मुझे जैक या माइक की मदद लेनी पड़ेगी एंड वो फोटोग्राफी यार मुझे लग रहा है कि शायद आइसक्रीम अंकल के म्यूज़ियम में है क्योंकि वो प्रॉपर एक वो है जिसको कह देते नहीं है डिग्री गाइस वो डिग्री है एंड मैंने कॉल को कॉल कर दी है जे को एंड शायद अब जे ही हमारी मदद कर सकता है क्योंकि वो फैक्ट्री के दूसरी वाली साइड है जहाँ पर मतलब वो भी है क्या कहते हैं उसको म्यूजियम भी आइसक्रीम वाले अंकल का ओके तो यहाँ पर माइक कुछ सोच रहा है एंड यहाँ से ही मतलब वो आएगा चार्ली उस कंट्रोल रूम से एंड यहाँ से हमें एक गन भी मिल चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इलेक्ट्रो गन है ये ओके एंड यहाँ से हम शायद जा सकते हैं आइसक्रीम अंकल के म्यूजियम में एंड ओके यहाँ पर आइसक्रीम वाले अंकल तो नहीं है गाइस यहाँ से चलते हैं जल्दी से ओके
गाइस अब तो मुझे ज़्यादा ही डर लग रहा है, मुझे पूरी की पूरी फैक्ट्री में घूमना पड़ेगा यार। एंड यहाँ पर भी यार मिनी, एक सेकेंड, रोड नहीं गाइस, रोड का मैं क्यों भूल जाता हूँ यार, ये रोड का पुतला है। ओके यार यहाँ भी मिनी रोड खतरनाक वाले ही रहते हैं, तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आइसक्रीम अंकल की एक मतलब बाइक है, यहाँ पर गैप है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन अभी मुझे गैप से कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे जाकर, ओ गाइस ये तो रही, यही है ना वो, यही है वो डिग्री सर्टिफिकेट जो भी कह दो। एंड यहाँ से मुझे एक यार, यहाँ से मुझे एक और मिला, एक सेकंड यार ये देखा तो है मैंने, एक सेकंड गाइस सोचन दो, मुझे यार पूरा का पूरा गेम याद है यार, गैराज। अरे गाइस यार उसने अलार्म बजा दिया, गैराज, ओ नहीं गाइस ये क्या हो रहा है यार, प्लीज़ तू अंदर को जाना, तू कर क्या रहा है यहाँ पर, सफा सुथरा है तेरे भाई ने सारा का सारा सफा सुथरा कर रहा है। गाइस अभी हमें क्या करना है कि हमें जाना है गैराज में, बस माइक के गैराज में जाना है, जहाँ जाने के लिए मतलब रिक्स भी है, मतलब रिक्स तो है। एंड यहाँ पर कुछ पड़ा है क्या, एक सेकंड गाइस यहाँ पर कुछ पड़ा है, मेटल प्लेट, जिसका अभी मुझे लगता है अभी कुछ काम नहीं है, मैं ज़्यादा चीज़ें हाथ में लेकर कन्फ्यूज नहीं होना चाहता, जो चीज़ जब यूज़ में आएगी मैं तभी ही उसको यूज़ करूँगा, वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक यहाँ पर सीक्रेट रास्ता कह दो या वेंट का रास्ता कह दो, जिससे हम गैराज में जा सकते हैं उसके माइक के, तो यहीं से चलते हैं। अब बस वहाँ पर आइसक्रीम वाले अंकल ना हो, बेसिकली अगर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, माइक एंड आइसक्रीम वाले अंकल ये दोनों एक ही शख्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके गाइस देखो ये रहा फ्रिष्टि, ओके तो ये तो यही लिख रहा है गाइस, एंड यहाँ पर ये देखो फ्रिष्टि लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है नहीं, यहाँ पर कितनी है यार, एक नीचे भी है। एंड यहाँ पर आइसक्रीम वाले अंकल शायद यहाँ पर नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, यहाँ से इसको करते हैं। यहाँ पर एक कोर फोटोग्राफी हिंट मिला है, जो कि यहाँ तो होगा नहीं, मुझे तो लगता है दोबारा से हमें म्यूजियम में जाना पड़ेगा। अब यार कितने फोटोग्राफी हिंट दोगे। एंड यहाँ पर एक टूल बॉक्स है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मतलब चेक कर सकता हूँ उसको, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाला, तो जल्दी से चलते हैं म्यूजियम में। ओके गाइस हम म्यूजियम में तो आ चुके हैं, तो गाइस जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर मैं किसी दूसरे वाले रास्ते से निकला हूँ। एंड ये क्या है गाइस, यहाँ पर पैडलॉक है, एंड इस पैडलॉक को खोलने के लिए हमें माइक की ज़रूरत पड़ेगी, माइक तो अपना फ्रेंड है वो तो आराम से कर देगा। गाइस यही है वो फोटोग्राफ, गाइस ये फोटोग्राफी हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, एंड मैं सारी की सारी पेंटिंग चेक करता हुआ जा रहा हूँ। एक सेकंड ये तो बहुत बड़ी पेंटिंग थी, एंड ये मैंने चेक करी थी, ओ गाइस बाल बाल बच गया मैं मिनी रोड से, वरना अभी वो सायरन बजा देता। ओके गाइस बस मुझे लास्ट, शायद लास्ट पेंटिंग ढूंढनी है क्या, अगर जो इसके बाद भी कोई फोटोग्राफी हिंट हुआ ना गाइस मैं नहीं खेलूँगा इस गेम को यार, यार इतने फोटोग्राफी हिंट दे रहे, शायद ये नहीं गाइस ये वाला तो नहीं है, वो कोई और सी ही पेंटिंग है, तो जल्दी से करते हैं, शायद यहाँ पर है गाइस वो ही देखो सामने पेंटिंग, लेकिन सामने से यार वो आ रहा है मिनी रोड, तो इससे बचना पड़ेगा। एक सेकंड तो आके एक काम कर मुझे मार ही ले, क्योंकि यार ये मुझे पीछे, एक सेकंड मैं क्यों मारूंगा इससे। ओके गाइस सामने मुझे ये पेंटिंग चमक चुकी है, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पीछे अभी शायद मिनी रोड है। गाइस मैंने मिनी रोड से तो पीछा छुटा लिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर रोड भी आ चुका है। गाइस पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सायरन बज चुका है यहाँ पर, तो इसीलिए। ओके तो यहाँ पर मुझे, एक सेकंड ये वाली पेंटिंग नहीं थी गाइस, वो पेंटिंग कहाँ थी यार, एक सेकंड जाके ओ एक सेकंड गाइस पीछे से, एक सेकंड आ जा तू आ पहले, अरे यार फायरिंग नहीं हो रही है इस पर, नहीं 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 एक सेकंड अभी तो मैं पकड़ा जाता हूँ। ओके गाइस फाइनली यहाँ पर मेरे पीछे रोड लग गया था, एंड यहाँ पर मुझे क्रैंक मिल चुका है, एंड क्रैंक शायद वो मोटरसाइकिल के गैप में लगेगा, कि जो इसकी आइसक्रीम वाली मोटरसाइकिल है शायद यहाँ पर ये प्लेस होगा। ओके गाइस फाइनली, अरे यार ये इतनी देर क्यों ले रहा है, जल्दी लगना। ओके लग गया, जल्दी से इसकी डिग्गी को ओपन करते हैं। एक सेकंड पहले तू मार ले, क्योंकि रोड तो आएगा नहीं, वो बेहोश पड़ा है। एंड ये भी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल है, जिसका शायद मैंने बटन दबा, अच्छा गाइस वो जो कबर्ड था ना, जो कि रिमोट कंट्रोल से खुलता, वो शायद अब ओपन हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिमोट कंट्रोल से ये ओपन कर दिया है। यहाँ से मैंने इलेक्ट्रो गन तो उठा लिया, जल्दी से चलते हैं हम। ओके गाइस अब हमें क्या करना है, कि यहाँ पर हमें एक पैडलॉक मिली थी, तो शायद से मुझे अब माइक के धोरे जाना चाहिए। ओके एंड यहाँ पर कोई आ रहा है कि नहीं,
गाइस जल्दी से गैराज से होके चलते हैं माइक के पास। ओके गाइस गैराज से होकर मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं माइक के दौरे। अबे यार ये यार मिनी रोड मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं एकदम से सामने से आके झटका दे दिया, लेकिन इनसे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाले नहीं है। तो अगर जो यार मेरा किस्मत अच्छी हुई तो मतलब बुरी हुई तो माइक भी अभी जग चुका होगा। एंड गाइस अब मुझे सीरियस होके ये गेम खेलना पड़ेगा। माइक भाई यार थोड़ी सी मदद कर, पैडलॉक की बनानी है तुझको। गाइस इसने एक वो यार एक सेकंड मेटल प्लेट एंड टेप एंड गाइस एक फाइल, मतलब जो रेत कह देते हैं ना जो गंडासों पे लगता है, जो विलेज में रहते होंगे वो समझ गए होंगे उस चीज़ को जो कुट्टी काटने के उस पर लगता है। ओके गाइस एक सेकंड, मेटल प्लेट तो मुझे पता है कहाँ मिलेगी, क्योंकि जब मैं नीचे की तरफ था उसके मतलब अरे क्या कहते हैं उसको यार, मैं तो इनके नाम ही भूल जाता हूँ। ओके गाइस याद आ गया, जब मैं इनके म्यूजियम में था तो वहाँ पर मुझे मेटल प्लेट मिल गई थी एंड मुझे यहाँ पर टेप भी ढूंढनी है। शायद यहाँ पर टेप मिलेगी क्या यार ऑफिस में, तो यहाँ पर एक वैन की पड़ी है जो कि मुझे नहीं पता किसी काम आने वाली है। गाइस ऑफिस में तो यार टेप का काम होता है यार, अगर जो यहाँ पर टेप नहीं है तो गाइस बेकार है। ओ गाइस फाइनली, मैं तो यार मजाक कर रहा था लेकिन यहाँ से मुझे टेप मिल चुकी है एंड साउंड बहुत कैड़ा वाला हो चुका है क्योंकि मेरे हाथ में थी इलेक्ट्रो गन, उसने साउंड कर दिया है। ओके गाइस जल्दी से चलते हैं। अरे यार मैं तो रॉन्ग साइड आ गया, वहाँ पर मिनी रोड था लेकिन उससे बच के आ चुका हूँ मैं। जल्दी से चलते हैं, बस ऊपर की साइड यार रोड ना आ जाए क्योंकि साउंड तो ऊपर की साइड भी हुआ है एंड वो गैराज में ही रहता है तो साउंड सुनकर वो आ सकता है। ले यार माइक भाई टेप तो मिल चुकी है, अब मैं जल्दी से जाकर मेटल प्लेट लाता हूँ। मेटल प्लेट मिल जाए या एक सेकंड गाइस वहाँ पर टूल बॉक्स भी तो, एक सेकंड वो टूल ही तो है जो फाइल है। तो गाइस ना चाहते हुए भी मुझे मतलब गैराज में जाना पड़ेगा वो टूल बॉक्स चेक करने एंड गैराज में ही रहता है वो क्या कहना आइसक्रीम वाले अंकल एंड देखो यहीं मिलेगा। देखो गाइस वो रहा, एक सेकंड मैं इसको बुलाता हूँ। अब यार एक सेकंड इधर को आइए, अबे इधर को कहाँ जा रहा है ले। ओके गाइस तो ये 60 सेकंड के लिए तो हो चुका है बेहोश एंड अब मुझे जल्दी से अपना काम करना पड़ेगा। जल्दी से टूल बॉक्स को चेक करता हूँ यार, कुछ ना कुछ तो मिल जाए प्लीज़। इसमें है क्या? नहीं गाइस एक टूल बॉक्स पल्ली तरफ था इसमें। यार प्लीज़ फाइल मिल जाए यार। ओके ओके गाइस तो यहाँ पर मुझे फाइल मिल चुकी है एंड जल्दी से जाके इसको माइक भाई को देते हैं, अपने जो माइक हमारा फ्रेंड है उसको देते हैं। ओके तो मैं जल्दी से आ चुका हूँ कंट्रोल रूम में एंड जल्दी से देते हैं इसको ले भाई एंड जल्दी से जाना है अब मुझे नीचे बेसमेंट में, मतलब जहाँ पर इसका म्यूजियम है। ओके गाइस जल्दी से चलते हैं, मुझे मेटल प्लेट की बेसमेंट में वो भी पता है लोकेशन एंड ये रही गाइस मेटल प्लेट। ओके तो जल्दी से लेके चलते हैं इसको माइक के धोरे एंड माइक ही हमारी पैडलॉक की बनाएगा। ओके गाइस मैं गैराज में आ चुका हूँ, मतलब वेंट से ही आया था तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे यार काफ़ी देर हो चुकी है, आइसक्रीम वाले अंकल मेरे सामने ही है लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो अभी नीचे चला जाएगा ना अपनी आइसक्रीम वैन को ठीक करने तो मेरे पास टाइम ही होगा क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाएगा, मैं बिना साउंड करे ऊपर से निकल जाऊँगा। वो रहा, अभी मैं इसको बिल्कुल भी गाइस छेड़ने वाला नहीं हूँ, वरना मैं ट्रैप भी लगा सकता था लेकिन अभी मैं क्यों छेड़ूँ, क्या पता ट्रैप कहीं ना कहीं काम आ जाए। वन गाइज एक सेकेंड, अगर जो 1 2 3 इसके मैं साइड में से निकल जाऊँगा जैसे ये जाएगा, ये इतनी जल्दी मुझे करंट नहीं दे पाएगा, मतलब दे दिया इसने कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मेटल प्लेट उठाते हैं, अबे आ जाना यार क्या कर रहा है, क्राउच होके ही आएगी क्या। ओके जल्दी से चलते हैं माइक के दौरे एंड माइक ही बनाएगा हमारी पैड लॉक की। ओके तो हम आ चुके हैं कंट्रोल रूम में एंड माइक भाई ये ले अपनी लास्ट चीज एंड जल्दी से बना दे। ओके गाइस इसने पैड लॉक बना दिया, मतलब पैड लॉक की बना दिया खोलने वाली, तो जल्दी से चलते हैं, हमें जाना है नीचे म्यूजियम में, बेसमेंट में कह दो म्यूजियम में कह दो दोनों एक बात है, जल्दी से चलते हैं। ओके तो मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। ओके तो बस यहाँ पर मिनी रोड ना मिल जाए, अरे यार जिस चीज़ को मैंने करोगे ना वो चीज़ तुम्हारे साथ गेम में होनी होनी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसको तो मैं बातों में ही चकमा दे दूँगा। जल्दी चलते हैं, बस रोड ना आना चाहिए, रोड भी आ सकता है क्योंकि इसने अलार्म बजा दिया होगा। ओके तो मुझे यार घूमकर पल्ली साइड से जाना पड़ेगा, एक तो यार ये बेसमेंट के जो म्यूजियम के रास्ते हैं ना वो इतने भूल भुलैया है ना, हर कोई भूल जाता है यार। ओके तो ये रहा,
जल्दी से खोलते हैं। अब यार ये तो बहुत ज़्यादा देर ले रहा है, इतना टाइम नहीं है यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है। पीछे से मिनी रोड आ जाएगा ये, पता नहीं यार माइक ने भी क्या सस्ते काम करे हैं। ओके पेंट्री गाइस, शायद ये पेंट्री का इलेक्ट्रिक गेट, मतलब वो जो बिना, ओके गाइस फाइनली जो मैं कहना चाहता हूँ मैं समझाता हूँ। पेंट्री में वो जो गेट था ना जिसमें रेड लाइट जल रही थी, जिसमें जो इलेक्ट्रिक से खुलता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से खुलता, वो ओपन हो चुका है। एंड शायद माइक चार्ली से बात कर रहा है क्या? नहीं यार, चार्ली से तो मैं ही बात करूँगा। ओके गाइस फाइनली मेरा करेक्टर चेंज हो चुका है, मैं बन चुका हूँ चार्ली। यहाँ से मास्क पहनते हैं एंड जल्दी से चलते हैं। जो जो गेट हमने अनलॉक करे थे उनमें से हमें क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या सामान फाइंड होता है, जल्दी से जाके देखते हैं कहाँ वो यूज़ आएगा। तो ये था शायद पेंट्री का। देखो गाइस पहले ये रेड था ना, अब ग्रीन हो गया। इन इसको खोलते हैं, इसको बंद भी कर देते हैं ताकि रोड ना आ पाए। यहाँ पर हमें जो सड़े हुए एग रहते हैं ना, गंदे वाले, वो एग मिल चुके हैं। एंड शायद हमें ये एग में मिलाने हैं क्या? एक बार ट्राई करना तो बनता है। एक सेकंड यार, ये कहाँ मिलेंगे? मिल्क में? अरे नहीं गाइस, मैटी आ चुकी है। एंड मुझे तो लोकेशन भी नहीं पता है यार कहाँ रखे हैं वो एग, क्योंकि यार तीन चार जगह है जहाँ पर इन सब की प्रोसेस होती है। ये रखे गाइस एग, वहाँ पर मिनी रोड भी है। ओके गाइस, तो हमें तीन चीज़ों को गंदा करना है, मतलब एग, शुगर एंड मिल्क। ओके गाइस तो जल्दी से चलते हैं यहाँ। एक सेकेंड, अरे गाइस मैं तो भूल गया, मैंने तो वो मास्क लगा रखा है ना। ओके गाइस तो जल्दी से इसको खोलते हैं। एंड यहाँ से हमें मिला है एक्सपेरिमेंटल स्पाइस। एंड गाइस यहाँ पर एक केमिकल मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ से मुझे ये मिला है। अब तू जाना, क्योंकि गाइस जैसे ही मैं उसको ठाऊँगा ना तो मेरा मास्क गिर जाएगा। एंड ये यार अलार्म बजा देगा एंड माइक यहाँ पर आ जाएगा। एंड शायद ये मुझे मिल्क में मिलाना होगा, तो जल्दी से लेके चलते हैं इसको। अरे यार ये साउंड सुन के आ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब यार यहाँ पर रोड आएगा भागा भागा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना तो शायद मैं अपना काम कर भी दूंगा। गाइस सामने ही मेरे मिल्क है। ओके तो जल्दी से जाते हैं। ये ले, मिल्क में नहीं मिला। एंड उसने भी अलार्म बजा दिया, जो मिल्क के साइड में काम कर रहा था ना मिनी रोड, उसने भी मिला दिया। मुझे शुगर के दौरे जाना है। ये रहा शुगर। अरे यार अब तो मैटी भी मारने लग गई यार। मैटी यार प्लीज अब के छोड़ दे यार, प्लीज मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा यार, छोड़। ये शुगर में मिलाने ही नहीं दे रहे हैं यार, कोई ना कोई आके छेड़ दे रहा है। एक सेकंड, ये रहा, अब के तो मिला के रहूँगा मैं। ओके गाइस एक्सपेरिमेंटल स्पाइस मैंने शुगर में मिला दिया है। एंड अभी तक हम लॉन्ड्री वाले एरिया में नहीं गए हैं, तो जल्दी से वहाँ भी जाते हैं जहाँ पर हमने मास्क से मतलब डोर अनलॉक करा था ना, वहीं चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि यार मतलब रोड तो पहचान लेगा, लेकिन मिनी रोड एंड मैटी से तो मैं बचा रहूँगा ना। तो जल्दी से चलते हैं। वो एक सेकंड, इसको यहाँ पर कोई आया है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर गाइस एक मिल्क ही है ये रहा। एंड दो चीज़ों में मैंने मिलावट कर दिया, बस मिल्क रह गया है। एंड अभी तक मैंने ये लॉन्ड्री वाला एरिया चेक भी नहीं करा है। गाइस यहाँ से आ गया है क्या यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रोड आ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस तो यहाँ पर लॉन्ड्री बीन है जिन्हें हमें चेक करना है। एंड यार इतनी देर क्यों लग रही है इनको चेक करने में? गाइस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये। ओके यहाँ पर कोई और बिन है क्या? शायद अंदर की तरफ होगा। ओके गाइस एक लॉन्ड्री बिन ये रहा, इसको भी चेक करते हैं। प्लीज़ यार जल्दी से हो जाना। ओके कुछ भी नहीं है गाइज। यार मुझे लगता है कि यार ये लास्ट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है यहाँ पर। प्लीज़। ओके तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है स्वीट सॉक्स। गाइज ये मिल्क में होगी क्या? ये मिल्क में मिक्स होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जाके गाइज एक ट्राई तो बनता है, क्योंकि लास्ट चीज़ मिल्क ही बच रही है। ओके तो यहाँ पर ओके गाइज तो ये मिल्क में भी मिक्स हो चुकी है। एंड गाइस जल्दी से चलते हैं जहाँ से मैं आया था ना, मैं तो गाइस उसी रूम में बढ़ जाऊँगा यार। ओके तो यहाँ से इसको खोलते हैं, इस दरवाजे को बंद करते हैं। एंड शायद अब मैटी आएगी, बस यहाँ से कोई आ ना जाए। अब मैटी आएगी, अब ये आइसक्रीम चेक करेगी एंड कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। ओके गाइस मैटी आ चुकी है एंड मैटी आइसक्रीम चेक। ओके पाइप डाल दिया उसने आइसक्रीम वाले ड्रम में एंड ये पी भी रही है। ओके कुछ हुआ एंड अरे गाइस कितनी हैवी है ये मैटी भाई, पूरा का पूरा फ्लोर ही ला दिया। एंड शायद अब मैं इसकी, ओ गाइस कंट्रोल रूम की मिल चुकी है। एंड अब मैं कुछ नहीं करूँगा गाइस, जल्दी से जाके कंट्रोल रूम में बढ़ता हूँ। एंड यहाँ पे अभी तक वो भी नहीं आया है, क्या नाम है यार उसका, मैं तो माइक
रियल वाला माइक भी नहीं आया है, एंड शायद अब हम इसको गाइस इसी वाली पाइपलाइन से हम जाते अपने दोस्त के पास चार्ली, और चार्ली तो हम खुद ही है ना, मतलब जे एंड माइक के पास। एंड गाइस फाइनली हमने चार्ली को आइसक्रीम वाले अंकल के ट्रैप से मतलब छुड़वा लिया है। एंड फाइनली ओके गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई यार इस चीज़ में। ओके एंड गाइस हमारी एक और मतलब फ्रेंड रह रही है जो कि एलिस, इसी की बहन है वो चार्ली की, बस वो आखिरी वाली फ्रेंड रह रही है, हमें उसको भी छुड़ाना है। एंड फाइनली गाइस हमने ये जो है आइसक्रीम सिक्स भी कंप्लीट कर दिया है, एस्केप ही कर दिया है। एंड गाइस अब हम प्ले करेंगे आइसक्रीम सेवन जिसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लेना, जिसने भी ऑल नोटिफिकेशन ऑल नहीं कर रखी है ना वो कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई गेम प्ले वीडियो घेरूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एंड जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है कर लेना, यूज़र नेम आपको चमक रहा होगा। तो करते हैं, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Cause the bass goes